नमस्कार, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। पहली बड़ी खबर यूक्रेन से आई है, जहां पर 24 अगस्त को उस देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, लेकिन इसके बाद दो महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ये कि जिन सैनिकों ने अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और जो मारे गए थे, उनकी कब्र पर ये महिलाएँ डांस कर रही थी। जो शहीद थे, जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई ली, उनकी कब्र पर ये डांस करते हुए सोशल मीडिया पर इन महिलाओं ने एक वीडियो डाली थी, जिसके चलते वहाँ की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन महिलाओं ने इसके बाद उस सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाली थी उसे हटा दिया गया। उसके बाद एक माफ़ीनामा भी सोशल मीडिया के ज़रिए डाला है। जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो महिलाओं ने अपनी सफाई पेश करते हुए ये कहा कि वो अपने पिता की कब्र के पास जा रही थी, ना कि उनका मकसद ये था कि वो किसी सैनिक की कब्र पे डांस करें। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर नॉर्थ कोरिया से आई है, जहां पर तानाशाह किम जोंग ने अपनी सेना को एक्टिव कर लिया है। उन्होंने अपनी नेवी को और शक्तिशाली होने के लिए कहा है, नेवी को और ज़्यादा एक्टिव होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें परमाणु का खतरा है उनके देश को, इसलिए आर्मी को, नेवी को, सबको एक्टिव होने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा, जो दूसरे देशों का युद्ध अभ्यास चल रहा है वो हमारे देश पर हमला करने के लिए चल रहा है, तो फिलहाल वो अपनी आर्मी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में तस्वीरें भी सामने आई थी जहाँ पर किम फैक्ट्रीज जाते हैं, जहाँ पर वेपन्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो बात करते हैं। युद्ध के लिए तैयार रहने और दुश्मनों को मार गिराने की किम जोंग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अगली खबर इंग्लैंड से आई है, जहां पर भारतीय मूल के एक शख्स की हत्या कर दी गई है। ये एक डिलीवरी ड्राइवर था जो कि अपनी पार्सल लेकर दूसरी जगह जा रहा था, जहां पर चार लोगों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी उम्र 20 से 21 साल के बीच में बताई जा रही है। जो शख्स है, जो भारतीय मूल का शख्स है, उसका नाम ओरमान सिंह बताया जा रहा है, जो कि एक डिलीवरी पार्सल करने के लिए दूसरी जगह पर जा रहा था। ये डायनामिक पार्सल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम कर रहा था, जिसकी हत्या कर दी है। फिलहाल इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर अमेरिका से आई है, जहां पर 2020 के चुनाव में जो रिजल्ट आए थे उनके उलटफेर करने पर डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगे थे। अब ये केस काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच चुका है। अदालत में जो जज है तान्या चुटकल, उन्होंने 4 मार्च 2024 की तारीख अब डोनाल्ड ट्रंप को दे दी, यानी कि ये मामला अगले साल अब सुनवाई इसकी की जाएगी। अब मुश्किल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 के चुनाव की कतार में खड़े हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर ये मामला डेट अगर यही रहती है 4 मार्च 2024, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरी हो सकती है। अब इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि उनके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये डेट भी 2024 की दी गई है। और अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से आई है, जहां पर 3 साल की सजा जो इमरान खान को मिली थी, अब वो सेशन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तोशखाना केस में इमरान खान को 3 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को अब राहत मिल चुकी है, वो रिहा हो चुके हैं, जेल से बाहर आ चुके हैं। इससे पहले जो सोशल मीडिया पर पिक्चर्स वायरल हो रही थी, जो खबर वायरल हो रही थी, वो ये कि इमरान खान को जेल में देसी घी का मटन और चिकन दिया जा रहा था, उनकी सेवा पानी बहुत अच्छे से की जा रही थी, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है, कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया है। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।